छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया। जवानों ने मारे गए नक्सलियों के शव और एसएलआर राइफल 303 और 315 बोर राइफल विस्फोटक बरामद किया है। मुठभेड़ किरंदुल थाना क्षेत्र में बेलाडीला के जंगल में हुई। बताया जा रहा है कि करीब 13 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी है। ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि आज सुबह गश्त के दौरान अचानक नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई की। 2 सितंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके एंड्री कुरंगेल लावा जो थाना किरंदुल अंतर्गत आता है, यहाँ पर पश्चिम डिवीजन दरबार डिवीजन एवं पीएलजी कंपनी नंबर 2 की नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी बस्तर पैट्रिक टीम एवं सीआरपीएफ 111-230 यंग प्लाटून की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉन्च हुई थी। और आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया, उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ, साथ ही में हथियार ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे एसएलआर 303 ऑटोमेटिक वेपन्स, इसके अलावा 315 12 बोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित हैं और अभी सर्च अभियान जारी है। आगे की जानकारी पृथक से दीजिए।